कानून बराबर लाए, परफेक्ट लाए, मगर सबसे पहले कानून अपने आरएसएस वाले भगवा पे लगाए जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कहते हैं महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो थम जाएगा इससे। मोदी जी जो अपनी बीवी के साथ अत्याचार किए उसका क्या निदान हुआ आज तक? जितना दंगा मंगा आज से 10 साल पहले होता था ये सब आरएसएस बीजेपी की देन थी। हाँ। सत्ता अपने के लिए, खुद सत्ता में आ गए, पूरा दिल्ली पूरे हिंदुस्तान शांत है। जनता तो गोबर से बर्फी बना के खा रही है, तो उसको क्या कीजिएगा? जनता तो अंधी हो गई है और उनके पास कोई विकास नहीं है। मुसलमान को रख के इलेक्शन जीतेंगे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके इलेक्शन जीतेंगे, मस्जिद का नाम लेके इलेक्शन जीतेंगे, अपने पास तो कुछ है नहीं। चुनाव आता है हिंदू खतरे में हो जाता है, चुनाव ख़त्म होता है मुसलमान खतरे में हो जाता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पर, जहां तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इस बार सत्ता पलटेगी या वही सत्ता रहेगी, लोगों का क्या कहना है इस पर उनसे बात करेंगे। क्योंकि लोकसभा जो इलेक्शन है अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, आने वाले समय में जो है वो अब किसकी सरकार होगी, सत्ता पलटेगी या नहीं, क्या कहेंगे चचा लोकसभा में, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चचा लोकसभा में इस बार, क्या मोदी की सरकार होगी या बदलेगी सत्ता? हम तो बैग बेच सकते हैं, बस कुछ नहीं करते। रुपए मिले आपको? हमें कहाँ मिले, 15 लाख आने दे, वो आए कहाँ भी, मोदी वही तो मांग रहे हैं। 15 लाख भिजवाए, वही आए, बस 15 लाख भिजवाए हमारे। अच्छा, कांग्रेस जो है और बाकी जो विपक्षी दल है लगातार बैठकें कर रहे हैं बेंगलुरु में, इसके हाल में ही अभी मीटिंग चली है, तो क्या लगता है सब मिलकर जो है मोदी को हरा पाएंगे कि मोदी जो है वो अभी भी काबिज रहेंगे? ऐसा है, मोदी को तो अल्लाह ही हराएगा भाई। अब क्या पता जी, लोगों का रुझान है, अब किस वजह से हम तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारे हिसाब से अपनी हमारी सोच तो ये कि कांग्रेस की बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के दौर में खुशहाली थी, इसमें खुशहाली नहीं है। देखो, आदमी परेशान है ज़्यादातर, चाहे उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो। जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं कि 9 साल जो है वो बेमिसाल है। देखो जी, हर कुछ अच्छा भी कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं, अब किसकी बात सच है ये देखो ना। ज़्यादातर लोगों का जो है, हम तो ये देख रहे हैं कि परेशान लोग हैं, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मेन चीज़ रोज़गार ही होता है, रोज़गार है नहीं। अब जब रोज़गार ही नहीं है तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया, ये है मसला। तो अनाज दे रहे हैं, जो आवास योजना है वो भी दे ही रहे हैं, किसानों को 2000 रुपया दे ही रहे हैं, अब क्या चाहिए? देखो, खाली अनाज से बात नहीं बनती, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मिर्च मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, तेल है, ये सब कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें हैं ना, खाली अनाज से थोड़ी बात बन जाएगी, ये है बात। अच्छा, जो है कांग्रेस जो लगातार और बाकी विपक्षी दल जो हैं लगातार बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है जो चेहरा कौन होगा मोदी के खिलाफ जो है पीएम का? देखो जी, कांग्रेस में तो राहुल ही हैं। राहुल के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो फिर हम नहीं कह सकते जी, अब वो किसे खड़ा करेंगे। पहले जैसे वो आए थे मनमोहन सिंह, हाँ, तो उनकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अचानक आ गए थे, अब किसे लाएंगे हम तो देखो जी कह नहीं सकते। ये तो उस वाली बात है कि असल तो अल्लाह ही जानता है। आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार हो, आपका प्रधानमंत्री जो है वो कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हम नहीं कहते, लेकिन हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। हाँ। कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, उसकी वजह कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खुशहाली। कांग्रेस के दौरों में खुशहाली होती है, बस ये देखने वाला हमारे तो बस, और हमारा कोई मकसद नहीं। कांग्रेस के कहते हैं कि कांग्रेस के सरकार में बहुत दंगा हुआ, अभी राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। देखो जी, ये तो सबके दौर में होता है, अगर मैं बुरा हूँ तो चाहे किसी की सरकार हो, बुरा करूँगा, ये तो लोगों के ऊपर है, कोई सरकार ये नहीं कहती कि भाई तुम लोग बुरा करो। हर आदमी जो बुरा करता है उस पर बैन लगता है, सज़ा भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आदमी बुरा करता है। बुराई असल तो दिल से है, किसी के रोकने से बुराई नहीं रुकती, अपने दिल से रुकती है, ये है। अच्छा, सीमा हैदर पर क्या कहेंगे? देखो जी, इस बारे में मुझे पता नहीं है, मैं असल में खाना कमाना समाचार में देखता हूँ नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से इंडिया आ गई हैं, हिंदू बन गई हैं, राधे राधे का माला पहनती हैं।
अब ये क्या गारंटी है कि वो पहले से हिंदू थी या मुसलमान थी, अब ये तो अल्लाह ही जानता है जी, हमें तो पता नहीं। तो को हम तो समाचार देखते नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं, यहाँ से हारे थके गए जाके सो गए। अभी तो दावे हो रहे हैं कि खुशहाली है, जब से जो बीजेपी की सरकार आई है तब से देश विकास कर रहा है। अब देखो ये देश विकास कहाँ हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है। अब हम जो है मजदूर आदमी हैं, हम जो 1800 कमाते थे अब आधा रह गया करीब। अब हम अपने ही ऊपर देख रहे हैं तो बड़े बड़े बिजनेस तो एक अलग चीज़ है। ये महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे? अब महंगाई बढ़ गई है, डबल मार है। एक तो मजदूरी घटी, ऊपर से महंगाई बढ़ गई, तो ये तो और डबल मार है। लेकिन महंगाई बढ़ने से किसानों को फ़ायदा हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है, इस बारे में हमने कहा अगर फ़ायदा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये आप कुछ कहने चाहेंगे, महंगाई बढ़ गई है क्या कहेंगे? देखो महंगाई तो बढ़ी गया, टमाटर का दाम देख लो 200 रुपये किलो, जब हम पैदा हुए थे, जब हमारा याददाश्त भी, जब याददाश्त मेरे को हुआ था हर चीज़ की, ये चीज़ ये है ये है ये है, तब टमाटर 60 से ऊपर कभी नहीं गया था। इस मामले में तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि आजकल के ज़माने में क्या महंगाई इतना है, आमदनी है कुछ नहीं, नौकरी नहीं हो रहा है, तो इसके मामले में तो कुछ ना कुछ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि सब्ज़ी साग कम से कम सस्ता होना चाहिए। हम लोग 100-200 रुपये रोज़ का कमाते हैं, सब्ज़ी साग इतना महंगा है, सब्ज़ी साग है फिर बाल बच्चे है उसमें क्या होगा, इसमें तो सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार कहती है कि प्राकृतिक चीज़ है, बारिश होते तो सब्जियां खराब हो जाती है, इस समय में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, हम क्या करें? बारिश तो हर सीज़न में आता है, बारिश हर सीज़न में आता है ना मैम, ऐसा नहीं है किसी साल, बारिश तो पिछले साल भी हुआ था, लेकिन पिछले साल टमाटर कहाँ हुआ था 200 रुपये किलो, हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ, हुआ था नहीं हुआ था? बारिश तो हर मौसम में आता है, बारिश गर्मी और मौसम ये तो चलता रहता है, लेकिन टमाटर की महंगाई तो है, उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्या करें। लेकिन एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है जो महंगाई होने से, टमाटर महंगा होने से किसान अमीर हो रहे हैं। किसान अमीर हो रहा है ठीक है, लेकिन किसान के साथ साथ और भी तो पब्लिक है जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी जी रहा है, रोज़ के कमा के खा रहा है, उसका क्या होगा, वो भी तो देखना चाहिए सरकार को। क्या लगता है इस बार 2024 में किसको लाया जाएगा? 2024 में किसको, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है भाई, तो आप जनता नहीं है, हम जनता है, हमारा अकेले करने से थोड़ी ना हो जाएगा, एक एक करके वोट बनता जो है। अच्छा, हाँ, एक एक करके वोट तो बनता है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि हिंदू खतरे में, नेता हिंदू, यहाँ की हुकूमत हिंदू, मुसलमान से कहाँ से खतरा आएगा, सारा गलत काम आप कर रही है, खतरे मुसलमान को ठहरा रही है, मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान के साथ अल्लाह की मदद है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा यूसीसी लाना चाहते हैं मोदी जी, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, यूसीसी के लिए क्या कहेंगे? वो क्या चीज़ है वो खुल के बताओ मुझे आप। यूसीसी जो है यूनियन सिविल कोड है, जो एक देश में सबके लिए बराबर कानून होगा। किस चीज़ के लिए होगा? कानून बराबर लाए, परफेक्ट लाए, मगर सबसे पहले कानून अपने आरएसएस वाले भगवा पे लगाए, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सारा कानून मुसलमान के लिए न लाए, ठीक है ना, कानून सिर्फ कानून के साथ धर्म के अंदर कानून नहीं लाए, ये सबके लिए कानून है, सबके लिए कानून है, जो जो चार शादियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी बंद? कानून से क्यों हो जाएगी बंद? अब किसी के अंदर पावर है उसी के लिए तो कानून आ रहा है। मैडम जब तक चार चार शादी नहीं होगी तो खपत कहाँ से हो जाएगा? कितने लोगों के पास चार शादी, इंडिया में कितने लोग चार शादी करते हैं, सर्वे है कोई, कोई डिटेल्स तो बता दीजिए कि चार शादी कितने लोग किए हुए हैं। नहीं बोलते हैं कि एक 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 घर में सबके लिए एक ही कानून होगा, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा, तो सबके लिए एक ही करेंगे। अब कहीं कहीं जो शादी का मामला है साउथ में, जो अपनी भांजी से शादी करता है लोग, उसके लिए वो क्या करेंगे? कहीं जो है अगर 2-3 साल के अंदर बेटा पैदा नहीं हुआ तो शादी कर लेता है मर्द, वहाँ के अलग कानून है, हर जगह का अलग अलग कानून है, बनावे राज्यसभा में, इसमें राज्यसभा में पास होगा तभी तो कानून तो बनता ही रहेगा। कहते हैं महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो थम जाएगा इससे। मोदी जी जो अपनी बीवी के साथ अत्याचार किए उसका क्या निदान हुआ आज तक? वो तो देश की जो है देश सेवा के लिए उसको छोड़ दिया था। देश सेवा के लिए आप बीवी पर अत्याचार कर दीजिए, ये है तपस्वी बन गए थे ना? कहाँ तपस्वी बन गए, तपस्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, बीवी परेशान हो परिवार छोड़कर, बीवी परेशान हो
बीवी परेशान हो, बीवी को पति सुख नहीं मिला, ये कौन सा तपस्या है? करना ही नहीं चाहिए ना शादी। उसी जमाने में जब शादी उनका लगा तभी छोड़ दिया कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी बनेंगे, फिर शादी क्यों किए, कुछ दिन साथ क्यों रहे, नहीं रहना चाहिए, गलत तो वहीं से वो कर गए। ओवैसी जी जितना मुसलमान के की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमान के सपोर्ट में बोलते हैं, उतना बीजेपी को फायदा होता है। क्या कोई इनके बीच कोई साठगांठ तो नहीं? साठगांठ तो सब में होता है। हाँ सब में होता है, सब में अंदरूनी साठगांठ है। किस नेता में साठगांठ नहीं है? कौन सा नेता है जिसमें साठगांठ नहीं है? कांग्रेस और आम आदमी में देखिए साठगांठ हो गया एक दूसरे, कल को सत्ता में कांग्रेस अगर आ गई केंद्र में तो बीजेपी आम आदमी में साठगांठ हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा किसी के सरकार आने से या जाने से? बस शांति, पब्लिक को क्या चाहिए, शांति चाहिए, शांति है मोदी के आने से शांति है। हाँ बिल्कुल शांति है। चोर के हाथ में ही ताला दे दीजिएगा, तिजोरी दे दी तो चोरी कहाँ से होगी? अब बात तो आप खुद समझ रही होंगी। अच्छा तो मतलब आप मोदी को चोर ठहरा रहे हैं? हमने क्या कहा, चोर के हाथ में ही तिजोरी दे दीजिए तो चोरी नहीं होगी, इसलिए शांति है। जितना दंगा वंगा आज से 10 साल पहले होता था ये सब आरएसएस बीजेपी की देन थी। हाँ। सत्ता हपने के लिए खुद सत्ता में आ गए, पूरा दिल्ली पूरे हिंदुस्तान शांत है। और छोटा मोटा तो होता रहता है, आरएसएस वाले जो है वो सब करते रहे तो वो सब चलता रहेगा हमेशा, उसमें कोई दिक्कत। तो क्या लगता है कि अगर सत्ता पलटी और बीजेपी चली गई सत्ता से तो दंगा बढ़ जाए? दंगा बढ़ेगा। अच्छा तो ये आपने तरीका बनाया है कि अगर शांति रखनी है तो चोर के हाथ में तिजोरी थमा दो। तिजोरी का चाबी दे दो, शांत रहेगा, चोरी नहीं होगी। किसी चोर को अगर सुधारना हो तो चीज सामान को बचाना हो, तिजोरी को बचाना हो तो चाबी दे दो कि भाई तू ही इसकी रखवाली कर, वो रखवाली कर रहा तो फिर तू ही लूट के खा जाएगा ना, जनता तो त्रास रहे, जनता तो गोबर से बर्फी बना के खा रही है तो उसको क्या कीजिएगा, जनता तो अंधी हो गई है। आप भी तो जनता ही है ना? तो हम भी अंधे हैं, क्या करेंगे, आँख कान दोनों बंद कर लिया। आप बताइए क्या चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मोदी ही आएगा, सही रहेगा, मोदी का आना जरूरी है। मोदी जो है मुसलमानों को सीधा किए हुआ है। क्यों, पहले मुसलमान टेढ़े थे? पहले मुसलमान टेढ़े थे, आज मुसलमानों को सीधा कर दिया। कैसे? आपको जाने डिबेट में दिन रात मोदी मोदी ही हो रहा है, मुसलमान ही हो रहा, और तो कुछ है नहीं इन लोगों के पास, सिर्फ मुसलमान करना है। वो लोग तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। टारगेट कहाँ कर, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुसलमान के ऊपर अपना जिम्मेदारी करके मुसलमान को ही आगे रख के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और उनके पास कोई विकास नहीं है। मुसलमान को रख के इलेक्शन जीतेंगे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके इलेक्शन जीतेंगे, मस्जिद का नाम लेके इलेक्शन जीतेंगे, अपने पास तो कुछ है नहीं, इसी सब पर इलेक्शन जीतेंगे। जीते शांति है, पब्लिक को शांति चाहिए, मोदी के आने से शांति है। कारण क्या है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको जीत मिल जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए ये इंसानी फितरत है। अब हमारे सामने आप क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान हिंदू में थोड़ा सा जो है इंसानी फितरत है, लोगों के अंदर अपने धर्म के लिए जज्बात है, होना भी चाहिए, मुकम्मल धर्म पे चलना भी चाहिए, वो कठपुतली बन के आधा इधर आधा उधर नहीं होना चाहिए। तो इंसानी फितरत है, यहाँ पे आके कोई क्या कहते हैं मंदिर के पास जाके कोई कुछ उल्टा सीधा रख देता है तो जाहिर सी बात है हिंदू को बुरा लगता है, मस्जिद के पास आके कोई मान लीजिए सुअर का ही गोश्त ला के रख दे तो मुसलमानों को बुरा लगेगा, हम कुरान को जो जला दें, इसलिए दंगा तो होना ही, ये तो शुरू से आता, जब दुनिया बनी थी तब से ही दुनिया दंगा हुआ है। आज हिमाचल में मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार हुआ, उनको खाली करवा दिया गया। अल्लाह ताला ने ऐसा ऊपर वाले ने ऐसा प्राकृति ऐसा दिया कि खाली करने वाले अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति की कैसे देन है? सैलाब जो आया था अभी सब छोड़ के भाग रहे हैं, जो मुसलमानों क्या वो जो सैलाब आया उसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम में सबको घर छोड़ना पड़ा। आप कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मतलब वही हो रहा था कि उन्होंने अगर मुसलमानों पे जुल्म करा तो ऊपर खुदा की तरफ से तबाही आए, कानों सब फंस गए। बताओ हिमाचल में जो मुसलमानों पे जो डाला है इन्होंने, तो मुसलमानों को बाहर निकालो, हमने क्या आपसे बोला है? तो होना वही जो ऊपर वाला चाहेगा। किसी भी नेते के इतनी औकात इतनी हिम्मत नहीं है जो किसी को टारगेट बनाकर उसको ख़त्म करेगा, ठीक है ना जी? कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे, मोदी के आगे किसकी जबान खुलेगी, कुछ नहीं कह सकते हैं।
और क्या बोल सकते हैं, डरे हुए हैं। डर तो सबको है, एक एक जनता को है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश की जनता को डर है। क्यों, मोदी तो जो है सबसे प्यार से खूब प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सबके साथ प्यार फैला रहे हैं, फिर डर क्यों है? देखिए, एक होता है नादान दोस्त, एक होता है अकलमंद दुश्मन। हाँ। तो ये अकलमंद दुश्मन है, नादान दोस्त नहीं है। ये सबसे ज्यादा डर तो मैडम को लग रही है मोदी जी से। मैडम बार बार मोदी जी मोदी कह रहे हैं, मोदी से आगे कुछ और भी देख लो और किसी चीज की तहकीकात कर लो यार। अरे मोदी के कारण ही मुसलमान खतरे में है। मैडम कोई खतरे में नहीं है, आप खा मखाई मुसलमान, मोदी 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 को आपने हुए बना लिया। हिंदू सर कह रहे हैं कि मैं हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान कोई खतरे में नहीं। तो हिंदू खतरे में, मुसलमान कहाँ खतरे में है? हमेशा कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। क्या नहीं कहते कि मोदी के आने के बाद हिंदू सुरक्षित हो गया है? ना, अभी भी तो होता है हिंदू खतरे में। चुनाव आता है हिंदू खतरे में हो जाता है, चुनाव खत्म होता है मुसलमान खतरे में हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना था, तो जहाँ जहाँ इलेक्शन शुरू हुआ कोरोना ख़त्म हो गया। खूब क्या कहते हैं वो चला भाषण रैली, और दिल्ली में कोरोना था रोजगार को बंद किया गया, बंगाल में कोरोना नहीं था। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब इनों की राजनीतिक है। सब राजनीति का खेल है। चोर मुसीहत भाई सब एक ही है, एक ही टेबल पे खाने वाले हैं, चाहे कोई हो। भरोसा किसी पे नहीं है? भरोसा तो अपने आप पे नहीं, ऊपर वाले के अलावा किसी पे रखना भी नहीं चाहिए। आज का जो वक्त है उस वक्त में अपने आप पे भरोसा नहीं है। साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे क्योंकि भरोसा जो है किसी पर नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही कहना है ये है कि जब चोर के हाथ में तिजोरी थमा दोगे तो चोरी ही नहीं होगी, इसलिए मोदी को रखना ज़रूरी है। क्योंकि मोदी चला गया तो दंगे बढ़ जाएंगे, जब से मोदी है तब से जो दंगे जो हैं उस पर रोक लगी हुई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।